वेलकम टू आवर जैसलमेर ब्लॉग गाइस। हमारा ये वाला जो वीडियो है वो सीधा पहले लोकेशन के एक स्निपेट से स्टार्ट होगा जहाँ का कोई रोड ही नहीं था। तो पहला लोकेशन गाइस हमने सीधा स्टार्ट ही कुलधरा से किया जो कि वहाँ की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बैन करके रखा है। स्क्रीनशॉट आराम से लेके पढ़ लेना आप। अगर बात करें हमें नेगेटिविटी फील हुई कि नहीं हुई, ये जो है वो है भूतनी की हवेली या परेतिन की हवेली। हाँ, हम लोग को थोड़ा सा तो नेगेटिविटी फील हो रहा था, इन टर्म्स ऑफ गूज़बम्स खड़े हो रहे थे। एंड हमारे गाइड ने भी हमें स्टोरी वगैरह बताई, कुछ ऐसे अननोन से अजीब से स्पॉट्स बताए जहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह भी शूट हुई हैं। तो ये ओवरऑल वहाँ का लोकेशन था एंड बाय द वे अच्छा था। उसके बाद हम यहाँ से सीधा अपने कैंप चले गए। फोटोज़ हम नहीं ले पाए करके बस यही स्निपेट है हमारे पास। कैंप से निकल के हमने सीधा अपना एक ट्रिप बुक कराया था। हम वहाँ गए, वहाँ हमें जीप सफारी में लेके गए, हमें डेजर्ट सफारी कैमल से कराया, पैरासेलिंग किया, पैरा मोटरिंग किया और काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। ATR तो बिल्कुल भी वीडियो लेने लायक ही नहीं थे हम लोग। उसके बाद हम अगले दिन निकल गए लोंगेवाला बॉर्डर गाइस, जो कि हमारा सबसे मेमोरेबल रूट था पूरा। इतना स्मूथ और इतना क्लियर रूट था गाइस, बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे अनसेफ है, मेरे हिसाब से तो नहीं था, काफ़ी सेफ है। जियो वगैरह का नेटवर्क आराम से आता है और वहाँ जैसे ही जाएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये रहा उसका एंट्रेंस। अब यहाँ से हमने इसके जो बाकी जो मेन वीडियोस है वो हम अपने रील्स में डालेंगे। थोड़ा बहुत आपको बस दिखा दे रहे हैं कि कैसा था और क्या था। लोंगेवाला बॉर्डर के कुछ आगे है कनोट माता का मंदिर, वहाँ हमने अपनी मन्नत मांगी, अपने रुमाल बांधे और हम अगला जो स्पॉट है वो एकदम ही अननोन स्पॉट और कम लोग जानते हैं, वो है एक इंडो पाक बॉर्डर जो टनोट माता से निकलता है, जहाँ की परमिशन आपको टनोट माता के आसपास ही लेनी पड़ती है और बहुत रेयर साइट होता है। यहाँ पे हम लोग को 100 मीटर पहले खड़ा कर दिया और हमें पूरा बॉर्डर दिखाया। मैं जूम करके दिखाऊंगा, दो बिल्डिंग दिखेगी आपको बॉर्डर के उस पार, एक इस पार एक उस पार, एक इंडिया एक पाकिस्तान। यहाँ से फिर वापस आए हम और अपने होटल में चेक इन कर लिया। थके हुए थे तो थोड़ा सोचे कि शाम को स्नैक्स कर लेते हैं और इसके बाद होटल पर आराम करके हम सीधा डिनर करने चले गए। डिनर का लोकेशन आएगा ये लाइट लाइट चमकीली चमकीली वाला। यहाँ का ज़्यादा अभी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ये भी आप आराम से मेरे रील्स में देख लेना, बट काफ़ी एक्सपेंसिव था एंड रूफ टॉप था, इतना मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट किया मस्त जैसलमेर के फोर्ट से, जो उनका आइकॉनिक फोर्ट है। इस फोर्ट में काफ़ी रस्टिक सा फ्लेवर आएगा आपको और यहाँ पे जो लोग एक्चुअली रहते हैं वो कुछ टहनियों से रह रहे हैं, जो पहले से रह रहे थे उन्हीं के ही जनरेशन को पास ऑन हो जाता है ये घर। एक गाइड ले लेना गाइड जो आपको बेसिक वहाँ का इन्फॉर्मेशन बताएगा, कैसे है, क्या है, कितने राजा थे, कितनी रानियाँ थी। ऑब्वियसली उस टाइम तो ज़्यादा ही लोग रहते, ज़्यादा रानियाँ और राजा रहते हैं, तो वो सब था। वहाँ का मेन अट्रैक्शन जो मुझे लगा वो मैंने स्क्रिप्ट में डाला है, वो भाई ये राजा जी थे 7.5 से 8 फीट के, उनका पूरा ये ड्रेस और उनके बैठने का बेड है गाइस, तो आप समझ लो कितने बड़े थे वो। बाकी यही है, हवेली ववेली देखो आराम से। थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो सुनने में मज़ा आएगा, ज़्यादा देर सुनने नहीं बोलूँगा। उसके आसपास मैं जो मेन अट्रैक्शन है वो ये बोलूँगा कि काफ़ी कुछ खाने के स्पॉट्स रहेंगे, जिनमें से एक था गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भांग का शॉप। वहाँ हमने भांग की लस्सी पी और दोपहर भर यहाँ घूम के हम सीधा सीधा चले गए गडीसर लेक, जहाँ का मुझे लोकेशन ओवरऑल ओके लगा, बट हमें एक मस्त वाइब वाली कैफ़े मिल गई थी। हमने उस कैफ़े में बढ़िया से अपना चिल किए, अपना आराम किए, मेरे भाई की एनिवर्सरी तो आराम से एंजॉय किए और नेक्स्ट हमारा ट्रिप ख़त्म। बट नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें अननोन और एक अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पे गए, वो है ये जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, जो कि मेरे हिसाब से मेरी आइटनरी में था ही नहीं, बट मेरे हिसाब से आपकी आइटनरी में सबसे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स, गन्स, आर्टलरीज, हिस्ट्री का डिपिक्शन, सारे जितने भी जितने लोग शहीद हुए हैं उनके नाम, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं एक वीडियो में तो उसको कवर नहीं कर सकता, बट आप डेफिनेटली देखिएगा। यहाँ पे पाकिस्तानियों का भी कुछ कुछ टैंक रखा है, कुछ इंडियन टैंक्स भी रखा है, आप दोनों को कंपेयर करके देखोगे और समझ ही जाओगे कि हमारे टैंक्स कितने ज़्यादा ही डेवलप्ड हैं उनसे, एंड इसी कारण हम भी शायद उनसे आगे ही हैं आज के डेट में। तो बस यही सब था गाइस, एंड ये पूरे ट्रिप का सबसे बड़ा हाईलाइट था कि हम लोग को काफ़ी नेशनल प्राइड फील होता था, क्योंकि हर जगह ये सब आर्मी वगैरह का था। इसलिए मेरा जो पूरा वीडियो और ब्लॉग है उसका एंड मैं एक स्लोगन से करना चाहूँगा, जो मैं बोलूँगा नहीं बल्कि वो आप खुद देखेंगे। एंड इसके साथ बाय गाइज़।